बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी हम आज 18 का डायलॉग नंबर 1 कर रहे हैं। बस जी खामोशी से शिक्षोंगे शिक्षोंगे औरतों के खायो औरतों के खायो कैसे जाते हैं सिटी हॉल कैसे जाते हैं हौसना बसिया छिया छोर सबवे ट्रेन मेट्रो ट्रेन थागो फंसे हो सवार होकर जाइए जाइए सवार होकर जाइए। अब यहां पे देखे फौस के साथ ना को हाईलाइट किया गया। दो इस्म दो नाउन के दरमियान में अगर हमने या लगाना हो तो क्या लगता है ना क्या लगता है ना। जब इसको हाईलाइट किया गया तो आप भी हाईलाइट करेंगे ना। तो मोगा थौ पढ़ रहे हो क्या ज्यादा तेज है क्या ज्यादा तेज है मोगा थौ पढ़ रहे हो क्या ज्यादा तेज है। अच्छा हमने याद किया पारुदा वर्ब था जी पारुदा तेज होना छारुदा काटना थारुदा मुख्तलिफ होना। इन सब में एक चीज कॉमन है वो क्या है जी जुदा जुदा पारुदा जल्द होना तेज होना छारुदा काटना थारुदा मुख्तलिफ होना। इस सब में एक चीज हमें कॉमन नजर आ रही है वो क्या है जी दा से पहले एक तो दा आ रहा है। दा किसको जाहिर करता है नून अलिफ ना को मैं होता है लेकिन नाउन के दरमियान में नहीं आ रहा ना दो इस्म के दरमियान में आ रहा है पहले भी चीज का नाम बाद में भी चीज का नाम उसके दरमियान में आए तो इसका मतलब क्या है जी या। अब जी पारदा मैं सिखाना चाह रहा था अगर इधर समझ आ गई है तो ना की हाँ जी ना दो नाउन्स के दरमियान में या ओ आर इंग्लिश में और हाँ जी तो छारदा थारदा और इसमें सिमिलरिटी क्या है जू, 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 जू। अच्छा जी इरेगुलरिटी ये कानून से हटकर बात हो रही है दा से पहले अगर र आए तो उसको दो रियल में बदल देना है किससे बदल देना है दा से पहले र आए तो उसको किससे बदल देना है तो पहले इसको चेंज करते हैं यहां तक तो हम लिखेंगे ना इसको भी काट दिया इसको भी काट दिया इसको भी काट बाकी क्या रह गया पा बाकी क्या रह गया छा बाकी क्या रह गया था। अब दो रियल में बदलना है किससे बदलना है बदलते हैं जी एक नीचे लगेगा और एक आगे लगेगा एक नीचे लगेगा एक आगे लगेगा एक नीचे लगेगा एक आगे लगेगा क्योंकि डबल तो लिखे नहीं जा सकते वो डबल कॉन्सोनेंट तो है नहीं एक एक के नीचे आएगा और एक उससे आगे आएगा एक नीचे आएगा एक आगे आएगा एक नीचे आएगा एक आगे अब हमने तलाश करना है आ या ओ कहां कहां आ या ओ पाया जाता है जी सब में हाँ तो फिर क्या हो जाएगा ये अब फारुदा फारुदा याद किया पारुदा पारुदा याद किया पल्लायो क्यों हो गया भी र जो है दो रियल में बदल दिया कोई नई चीज नहीं है सिर्फ ये याद रखना है रु को पारुदा से पल्लायो पारुदा से अब आप पारुदा पारुदा याद किया पेपर में आ गया पल्लायो कहानी खत्म। थारुदा थारुदा याद किया पेपर में आ गया थल्लायो हाँ जी छारुदा छारुदा याद किया छल्लायो ओके जी समझ आ रही बात की। और जी और मिसाल मैं आपको दूं इसमें से निकाल के खोरुदा खोरुदा बार बार हम पढ़ रहे थे खोरुदा का मतलब क्या जी मुंतखिब करना
हाँ खुरद खुरद खुरदा दोनों काटे दो रियल बदल दिया। अब आ या वो है ना भाई वो है तो आयो ही लगेगा। खुल लायो मुंतखिब कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। खुल लायो उधर देख रहे हैं, समझाओ इधर लाओ। तो भाई इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें घर जाके, जहां पर भी ये ऋण वाले बावल नजर आ रहे हैं कलर नोट्स निकालें, उसको देखें कैसे कन्वर्ट हो गया। और इतनी बात बता दूं, ये सिर्फ जहां पर भी आ या ओ तलाश करना होगा ना, ये उस ग्रामर के लिए है, फी अपनेता वाली ग्रामर के लिए नहीं है, कम अदब वाली में है। कौन बोला? आप बोले वो, हाँ कम अदब वाली में है। अदब वाली फॉर्म क्या थी? कलर नोट्स में ऊपर आ रही थी, निदा वाली फॉर्म। निदा वाली फॉर्म क्या थी? अदब वाली थी। वापस आ जाए, अच्छा जी। तो बस ना अच्छिया चल ठागो का से, अब ठागो सवार होकर, ठागो का से सवार होकर जाइए। अब मुझे कह रहे हैं बस या ट्रेन पे चले जाओ, सबवे ट्रेन पे, तो मैं पूछूंगा ना कौन सी तेज है, किस पर सवार हूं। बहुत थोप आया हो, क्या ज्यादा तेज है। चिगमन इस वक्त फौसगा छुम जरा, इस वक्त जरा बस थो तेज होगी। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने क्यों सिखाया मुझे, वो इसलिए सिखाया कि यही पड़ फेर हाल में गया था तो हम लायो में बदल गया था, अब फ्यूचर में है तो इसी पड़ के साथ रियल कोयो का इजाफा हुआ है। पड़ो अब आपके जेन में आना चाहिए कि पारुदा हमने याद किया था, पर कयो कैसे हो गया? पारु कयो क्योंकि इसमें हमने वावल कॉन्सोनेंट देखना होता है, इसमें हमने आय नहीं देखना होता, इसमें क्या देखना होता है? वावल कॉन्सोनेंट। तो तू एक वावल है तो क्या लगा? रियल कयो फ्यूचर टेंस के लिए। पारु कयो तेज होगा, पारु कयो तेज होगी, हनी म्योपोन वस्त्र कितने नंबर बस पर, म्योपोन कितने नंबर हॉस्त्र बस पर, थानो भायो सवार होकर जाते हैं, कितने नंबर बस पर सवार होकर म्योपोन हॉस्त्र सवार होकर बस पर थानो थादा थादा हर जगह पे आ रहा है थादा सवार होना थागो खासे हो थागो खायो जाते हैं। अब नीचे नाउन जरा डिफरेंट हो गया, इल्मोनीना एक नंबर या, अब नंबर को किसमें काउंट करना होता है? साइनों को एक नंबर में, इल ई सन सा ओ यु शे हर हु शे, अच्छा इल्मोनीना। अब यहां पे ई ना क्यों लगा? वजह अब देखिए, नाउन का इख्तिताम कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, कॉन्सोनेंट है ना, नियन नियन एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके साथ उसने ई ना लगाया। ऊपर वावल था फॉस, एक वावल था तो लगा ना, एक वावल था तो लगा ना, अब कॉन्सोनेंट पे हुआ तो ई ना, मतलब दोनों के या ही हैं। इल्बोइना एक नंबर या, ईबॉन दो नंबर, फॉस्र बस पर, थालो फंसे हो सवार होकर जाइए, थालो फंसे हो सवार होकर जाइए। क्वेश्चन है जी इसके मुतालिक? कोई फोटो हो चुकी है ना? आप जी डायलॉग टू की वोकैबुलरी निकाले, शाबाश। आज लिसनिंग के रीडिंग के सवाल नहीं करते, हाँ ये दो हो जाएगा।
क्या ख्याल है, लिसनिंग रीडिंग जो है ना छोड़ देते हैं ना, ये कहानी तो पक्की याद हो ना हमें। 18th का जो है डायलॉग 2 की वोकैबुलरी पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर कहानी की तरफ जाएंगे। 158 पेज। ईदो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्ट। थादा, बहुत ही कम वोकैबुलरी है, ज्यादा भी नहीं है यार। थादा, सवार होना। थागो खादा, सवार होकर जाना। फिर दोबारा थादा, थादा। शिद्दत नहीं आ रही आपके साउंड में ना, थादा। थागो खादा, यक जुबानों के थागो खादा, सवार होकर जाना। थागो उड़ा, सवार होकर आना। खत्ता, इसके साथ तो बड़ी जान पहचान है लाहौर में तो, खत्ता। खत्ता, हाँ, खत्ता का मतलब कह रही चलना, हाँ, खत्ता। खौर खादा, पैदल जाना। खौर खादा, पैदल जाना। खौर ओदा, पैदल आना। ये खादा ओदा गादा ओदा आ रहा है ना लगातार, जाना आना जाना आना। हाँ, खादा ओदा, नेरीदा उतरना, बस से उतरना, ट्रेन से उतरना। सबसे अहम वर्ब इसमें ये है खारा थादा, इसको हाईलाइट करेंगे। खारा थादा, ट्रांसफर होना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे सवार होना, खारा थादा। हंसंगादा, खारा थादा, हंसंगादा, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सवार होना, खारा थादा। और अक्सर ये सवार जो है आदत है पिस्थान माल में, हाँ, मिलती जुलती बात तलाश करें। खारा थादा का मतलब ट्रांसफर करना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठना। हंसंगादा का मतलब ही यही है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सवार होना, ट्रेन से बस, बस से ट्रेन, बस से बस, टैक्सी से ट्रेन। खारा थादा, ये जो लफ्ज खारा है ना, इसका मतलब है तब्दील। खारा का मतलब क्या है जी? अच्छा, अगर कपड़े तब्दील करना होंगे क्या होगा? खारा इत्ता, खारा शिंता। नहीं समझ आ रही बात की। इत्ता का मतलब क्या है जी? पहनना, और तब्दील करके कपड़े पहनना, कपड़े तब्दील करना। खारा थादा, गाड़ी तब्दील करके सवार होना। खारा शिंदा, जूते तब्दील करना। कपड़े, जूते, शिंदा। यार मैंने सीधा कहा था ना, थीगत ना कहते फाड़ ले तू, हाँ नियन है वो। तो बेटा ये साथ ही याद हो रहे हैं, ये इसलिए लिखा है खारा युता, खारा शिंदा, है, और खारा थादा, हाँ, वो हंजन हादा, हंजन हादा, हंजन हादा, करेंसी एक्सचेंज करना। सिनादा, गुजरना। सिनादा का मतलब ही गुजरना, बस स्टॉप के सामने से गुजर गई, किसी मेरे घर के सामने से गुजर गई, टू पास, गुजर जाना। सिनादा जी डायलॉग 2 चल रहा है जी इस वक्त। थुआन, थुआन कह रहे सुरुशिन, यौगिक काजी, यहां तक, ऑर्थोखे, वास्तव, कैसे आए हो? अब आप आई थी मिस सुरु, आप कैसे आई? एक सेकंड पहले भी कोई काम हो जाए ना, कोरियन में वो पास्ट हो जाता है। हम कहते कैसे आए हो,
कोरियन इसको क्या कहेंगे, कैसे आए, ये फर्क है। और तो खेवासयो, कैसे आए थे। अब आप एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, आप यहां तक कैसे आए थे, पूरा वो ट्रांसपोर्ट बताएगा, ओथोबाए छाजंगो। अब वो जो अल्फाज मैंने पिछले पेज में नहीं याद हो रहे वो इधर फिट करेंगे हम, हाँ जी, वो कैसे फिट करेंगे, छोलिन मैं मेरी विरसा का कंपनी खाता हो खकपता खकपता याद किया, नजदीक होना नजदीक होना, तो खका वो नजदीक होने की फियर किसमें बदल जाता है, ऊ में। हाँ, जब भी आया हो तलाश करना हो फियर को हमने बदल देना है ऊ में। अब इसमें वर्ब था खकपता, मैंने दूसरी दफा बता रहा हूं लेकिन क्या करूं, बताना पड़ेगा, खकपता खकपता नजदीक होना। अब मैंने कहा कि भी इसको क्या करें, खाका तक तो मैंने लिख दिया, अगला काम क्या करना है, फियर को कहता है ऊ में बदल दो, ऊ में बदल दिया। अब वजह लगानी है तो वहां वजह में क्या लगाते हैं, आसो और सो, अगर ये दो होते तो आसो नहीं है तो खाका वो सो, खाका वो सो नजदीक होने की। ये तो हमेशा वो से जाएगा ना, पीएफ में तो आ या वो है ही नहीं ना, पीएफ ऊ में जो बदल गया, वेरी गुड, जब पीएफ ऊ में बदल गया तो दो वाले तो हो ही नहीं सकते ना, ओसो ही होगा, खका ओसो, गर्मी लगने की वजह से थोसो, सवाल आया था ना पेपर में। हाँ, अच्छा, आप में से किसी ने भी नहीं कहा कि सर वो सवाल मुझे समझ नहीं आए, 11 बजे वाले ने, शाम 7 बजे वालों ने उनको दोबारा रिपीट करवाया पेपर को, आपको लगता है सारे आते थे, बहुत से फेल हुए थे लोग, लेकिन उन लोगों ने ये जहमत नहीं की कि सर उनको समझा दें। तो अभी थोड़ी देर तक मैं समझाता हूं उन सवालों को भी, हाँ जी, खाका हो सो नजदीक होने की वजह से, तो नजदीक है तो कैसे आएगा, पैदल आएगा, खौरो वास्ता है, कैदर आया था, पैदल आया था, खौरो वास्ता है। अच्छा, अगर दूर होता तो क्या होता, मोरोसो मोल्ला, मोरोसो दूर होने की वजह से बस पर आया था, फिर क्या हो सकता है, पैदल की जगह पे बस पर, पैदल की जगह पे मेट्रो ट्रेन, पैदल की जगह पे मेट्रो ट्रेन को क्या कहते हैं, छी अक्षर जाओ, छी अक्षर, फॉस ओथोबाय छाजंगो टैक्सी, टैक्सी जो है ना, मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोरियन महंगी होती है, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और ये इतने इतने जो है हुबुल वतन है, कौम परस्त हैं कि अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां सबवे ट्रेन स्टेशन के नीचे बेसमेंट में खड़ी करेंगे, मेरे मुल्क को जो है ना इसका फायदा है। वो कैसे फायदा है, वो फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, सबवे ट्रेन पे लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे हैं, अरबपति है लेकिन सफर कर रहा है लोकल ट्रांसपोर्ट पे, गाड़ियां नीचे बेसमेंट में, शाम को वापसी पे वहां से ले जानी। पाकिस्तान आए थे मेरे पास कोरियन, मैंने आपको बताया 30-40 थे, तो वो यहां आके 2008 की बात है, यहां आके वो तलाश करना शुरू हो गए सैमसंग का फोन, उस वक्त नोकिया बड़ा हिट था, यहां आके भी उन्होंने सैमसंग का लिया था, उस वक्त 3310 जो नोकिया था ना, उस तरह के वो फोन थे, छोटे छोटे बटनों वाले। मैंने बड़ा बताया कि बहुत जो है नोकिया अच्छा है, नोकिया बहुत अच्छा है, इसको दीवार पे मारो कुछ नहीं होता, कहता नहीं मैंने लेना ही है तो सैमसंग का लेना या एलजी का लेना, हम कहते हैं कि इंपोर्टेड होनी चाहिए चीज, हाँ, चाहे वो बेचारे यहां पर बना के चाइना की मोर लगाते हो। खोरो वास्तव पैदल आया था, थुआन शिन ऑर्थोके वास्तव कैसे आए थे, वैसे थुआन आप कैसे आए, ऑन आज, यानी पहले वो किसी और चीज पे आता था, ऑन फर्स आज बस पर, थागो वास्तव सवार होकर आया।
आगे कहता है विसा एसो योगी काजी, एसो काजी ग्रामर है फलां फलां जगह से फलां फलां जगह तक। अनी जैसे आपको भी सवाल कर सकता है छिबे सो योगी काजी घर से यहां तक कठे कठे आएगा ना, कुछ दो जगहों के दरमियान आएंगे। आप कहेंगे लाहौर से इस्लामाबाद तक, तो लाहौर एसो इस्लामाबाद का जी, हाँ जी, घर से एकेडमी तक छिबे सो हागोन का जी, घर से एकेडमी तक शिगानी और लोहाना खोल रहे हो, कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है, इसको हाईलाइट कर दो किसी तरह भी दिमाग में ये बैठ जाए। ये जो खोल रहे हो वर्ड है, जब भी आ जाए सवाल की एंडिंग में वक्त का लगने के बारे में बात, मौलदा दूर होना, ये खोलता है मोरोसो। अच्छा, ये खोलता का मतलब क्या है जी? लगना, वक्त का लगना। तो लगना जब भी आ जाएगा खोल रहे हो, खोल रहे हो, जब भी सवाल में खोल रहे हो आ जाए, पावरफुल वर्ड बताएंगे आपको, जवाब में वक्त का लगना जाहिर होगा, एक घंटा, दो घंटे, एक दिन, दो हफ्ते, एक महीना। ये बहुत बड़ी एंडिंग है, बहुत से सवाल इसमें खत्म होंगे। खोल रहे हो कंपनी से यहां तक वक्त कितना लगता है? फोर्थो अमूमन समशिपुन, अभी मैंने टाइम का जिक्र किया, 30 मिनट, जोंगदो तकरीबन, खोलियो लगते हैं तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। आगे कह रहे जी हाजीमान मगर छुलथेगन। इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं छुलगुन शिगान, जॉब पर जाने के बाद, थेगन शिगान छुट्टी के बाद, जॉब से छुट्टी के बाद, छुलथेगन शिगान जॉब से आने जाने के औकात। इन दोनों को मिला दिया गया, छुल और थे, बाकी गुणशिगान, गुणशिगान तो दोनों में है। नहीं समझ आ रही? ये देखो ना, गुणशिगान इधर भी लिखा हुआ है और गुणशिगान इधर भी लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, छुल और थे कर दिया, छुल फेगिन शिगान, काम पर आने जाने के औकात, काम पर आने जाने के औकात, काम पर आने जाने के औकात, काम पर आने जाने के औकात। और आगे देखिए, उसके बाद ही छावा माखीदा, ट्रैफिक जैम होना, छा कहते हैं गाड़ी को, गाड़ियां जमा हो जाना, स्टक हो जाना, गाड़ियां स्टक हो जाना मतलब है इसका, लफ्जी मानी करें तो गाड़ियां स्टक हो जाना, माखीदा जैम हो जाना, गाड़ियां जैम हो जाना से मुराद यानी ट्रैफिक जैम हो जाना। इस तरह शिगाने, कौन से शिगान पर, काम पर आने जाने के औकात में छाला माखे सो ट्रैफिक जैम होने की वजह से, माखियो सो ट्रैफिक जैम होने की वजह से शिगानी वक्त छुम जरा थोड़े खोलियो लगता है, वक्त जरा क्यों जरा लगता है वजह। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, जॉब पर आने जाने के औकात में छागा माखियो सो ट्रैफिक जैम होने की वजह से शिगानी वक्त जरा ज्यादा लगता है, वक्त जरा